बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ्रेंच ऑमलेट। बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाता है, लेकिन इसको बनाना स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 eggs और उनको एक बाउल में डाल लेंगे। फोर एग्स में हम डालेंगे 1/4 teaspoon सॉल्ट, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon कुटी हुई या बिल्कुल बारीक क्रश की हुई ग्रीन चिल्लीज यानी सब्ज़ मिर्चें, और 1 teaspoon के बराबर पार्सले या धनिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इन तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने फेंट लिया। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। नॉनस्टिक पैन लिया, उसमें डालेंगे 2 tablespoon कुकिंग ऑयल और फ्लेम को करेंगे ऑन, और ऑयल को हल्का सा हम गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल इसमें गरम हो जाएगा, हम इसमें ये एग का सारा बैटर डाल देंगे और फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से पकने देंगे। अब हम इसको हल्का सा इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। ऑमलेट को ऐसे जब वो थोड़ा थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम इसको बाकी लिक्विड को सारा उसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। लाइक दिस। अब इसको हल्का सा नीचे से गोल्डन होने तक हम पकाएंगे, फ्यू सेकंड तक। हम नीचे से पकाने के बाद ऊपर से भी वो ऑलमोस्ट पक चुका है। हम इसको इस तरह से 2 spoons के साथ उठाएंगे और इस तरह से इसको हल्का हल्का सा हम रोल करते जाएंगे इस तरह से। अब हम इसको निकाल के प्लेट में रखेंगे। तो ये रेडी है ज़बरदस्त सा फ्रेंच ऑमलेट। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी ये डिश कैसी बनी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।